नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। जन सम्मान पार्टी ने रीवा के कलेक्ट्रेट गेट पर बाबा साहब और बिरसा मुंडा को याद किया, वित्त मंत्री के नाम अपना 15 सूत्री ज्ञापन सौंपा, साथ ही तत्काल मांग पूरी करने की बात कही। रीवा शहर के प्रमुख चौराहे स्टेचू चौराहे में को जाम से मुक्त दिलाने ट्रैफिक पुलिस ने हटाया अतिक्रमण की यह कार्रवाई कितनी कारगर होगी, इसके चलते हमने ट्रैफिक टीम से बात की। रीवा सैनिक स्कूल स्थापना के 60 साल पूरे होने पर सेना के तीनों अंगों के जाबाजों ने रीवा में जमीन और आसमान में हैरत अंगेज कारनामे दिखाए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रीवा जिले में एक बार फिर सड़क हादसा, 16 लोग घायल, 2 लोग गंभीर। बस का पिछला टायर फटा जिसकी वजह से बस पलटी। बस लालगांव दोहरी सिरमौर होकर आ रही थी। सिमरिया थाना अंतर्गत पिपरा के जंगल में वन विभाग की जमीन में 4 से 5 दिन पुराना शव फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। युवक ने नीले रंग की जैकेट पहन रखी है जिसमें पीछे कमांडो लिखा है। अभी तक शव की पहचान नहीं हुई है। पागल बनकर दिन भर रेकी करता था, रात के अंधेरे में चोरी करने वाला शातिर चोर सुहागी थाना के चिल्ला गाँव में चोरी के प्रयास में पकड़ा गया। 3 दुकानों के ताले चटकाने के प्रयास किए, चोरी में नाकामयाब। सीसीटीवी फुटेज हो रहा जमकर वायरल। डिप्टी कलेक्टर स्तर का अधिकारी संभालेगा अस्पताल का प्रबंधन। सरकार का यह आदेश, डॉक्टरों को नहीं आ रहा रास। काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने जताया विरोध रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।